उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण से एक दिन में सर्वाधिक 196 और मरीजों की मौत हो गई और कोविड 19 के रिकॉर्ड 37,238 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख पार कर गया है। लखनऊ में बीते 24 घंटे में 5,682 नए संक्रमित मामले मिले हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 7,165 लोग तथा प्रदेश में 22,566 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के संक्रमण से उत्तर प्रदेश के सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया है, जिससे बोकारो के स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लाया जा रहा है। राहत वाली खबर ये है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्टील प्लांट से ऑक्सीजन के टैंकर भरकर दोपहर में 2 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। बीच में कोई रुकावट न आए, इसलिए रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। बोकारो के स्टील प्लांट से ऑक्सीजन के टैंकर लेकर रवाना होने वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ग्रीन कॉरिडोर से होते हुए रात 12 बजे तक दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय पहुंच जाएगी। इसके बाद वहां से वाराणसी और सुल्तानपुर होते हुए ऑक्सीजन एक्सप्रेस के कल सुबह 7 बजे तक लखनऊ पहुंचने का समय निर्धारित है। लखनऊ में 3 टैंकर आएंगे। इसके एक टैंकर 20,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन है। सभी टैंकर्स में लिक्विड ऑक्सीजन है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नहीं ले रहा है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज से लेकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक हर जगह खौफ का मंजर है। अस्पतालों में न बेड है, न ऑक्सीजन और न ही दवा। लोग बेड और ऑक्सीजन के लिए एम्बुलेंस से अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। कई लोगों की मौत एम्बुलेंस में ही हो जा रही है। इस संकट में भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली है। यूपी में कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर लूटने की कोशिश हो रही है तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि कुछ मामलों में डॉक्टरों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। सबसे बड़ा अमानवीय कृत्य लखनऊ में पीजीआई कोविड सेंटर का खुल रहा है, जहां कुछ डॉक्टर और कर्मचारी खुलेआम दवाओं की कालाबाजारी करने में कालाबाजारियों के साथ मिलीभगत करके मरीजों को लूट रहे हैं। कल देर रात एरा मेडिकल कॉलेज के पास से 2 डॉक्टरों समेत 4 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के हवाले से उनसे पूछताछ में कई और सफेदपोश डॉक्टरों और अन्य लोगों के नामों का खुलासा होने की संभावना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा ही कुछ ऐसा करते रहे हैं जिस कारण चर्चा में बने रहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक वर्चुअल की गई और प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसी बैठकों का मीडिया या सोशल मीडिया पर प्रसारण नहीं किया जाता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक का लाइव टेलीकास्ट किया, जिसको प्रधानमंत्री ने अनुचित बताया। हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे, ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले। जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। जज्बे को सैल्यूट। देश भर में कोरोना संक्रमण से तड़पते मरीजों और इलाज की कमी के बीच झारखंड के रांची में एक ऑटो रिक्शा चालक रवि कोरोना मरीजों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। जो भी लोग कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं और उन्हें अस्पताल जाना है, ऐसे लोगों को वह अपने रिक्शा से अस्पताल पहुँचाते हैं। खास बात यह है कि इमरजेंसी हालात में वह फ्री सेवा देते हैं। रवि ऐसा 15 अप्रैल से लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी भी ऑटो चालक ने एक जरूरतमंद महिला को रिम्स नहीं पहुंचाया तो वह मदद के लिए आगे आए और उसे अस्पताल पहुंचाया, और उनका यह निःशुल्क कार्य अनवरत जारी है। कोरोना की खतरनाक रफ्तार के बीच जो भयावह खबरें आ रही है वो वास्तव में डरावनी है, लेकिन फिर भी हमको हौसला बनाए रखने और सकारात्मक सोच को बनाए रखना जरूरी है। अपने मन में नकारात्मक विचार ना लाकर पूरे उत्साह के साथ डटकर मुकाबला करना है, और हम सबको इस जंग को जीतना है। बस धैर्य और सावधानी बरतनी सबसे अधिक जरूरी है। लखनऊ। लगातार बढ़ते कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए लखनऊ सहित पूरे यूपी में सप्ताह में शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन घोषित है। इस दौरान होने वाली शादी समारोह के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के शादी नहीं होगी।
अनुमति पत्र पुलिस कमिश्नरेट के सभी डीसीपी कार्यालयों में उपलब्ध हैं। डीसीपी ही अनुमति देंगे। 50 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने चेहरे पर कपड़े और सर्जिकल मास्क से बनी डबल मास्क लगाता है तो वह कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आने के करीब 95% खतरे को कम कर देता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। उत्तर प्रदेश में औरैया जिले से भाजपा के सदर विधायक रमेश दिवाकर की इलाज के दौरान कोरोना से मौत हो गई। दिवाकर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और मेरठ के एक अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल में कहा है कि गंभीर मरीजों या जानलेवा परिस्थितियों में रेमडेसिविर का कोई असर नहीं दिखा है। रेमडेसिविर कोई जादुई दवा नहीं है और न ही ये कोई ऐसी दवा है जो मृत्यु दर कम कर सकती है। इसके साइड इफेक्ट भी हैं। इसका सेवन करने वालों में लिवर के एंजाइम्स का बड़ा स्तर, एलर्जिक रिएक्शन, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में बदलाव, ऑक्सीजन ब्लड का घटा हुआ स्तर, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, होठों, आंखों के आसपास सूजन और ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ दिखा है। फॉर्मा बेस्ड स्टडी में कहा गया है कि रेमडेसिविर कोविड 19 रिकवरी टाइम को 5 दिन तक घटा देता है। तीमारदार यह सोचकर परेशान न हो कि रेमडेसिविर मिल जाता तो मेरा परिजन बच जाता या ठीक हो जाता। इसकी कोई गारंटी नहीं कि यह देने से वह ठीक हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना की इस महामारी के दौर में भाजपा सरकार का कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा है। जिंदगियां दम तोड़ रही हैं, लोग तड़प कर मर रहे हैं। इस अमानवीय स्थिति में भी दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड की आपूर्ति के बहाने कुछ लोग कालाबाजारी में जुट गए हैं। प्रशासन मूकदर्शक बना है। प्रदेश भर में स्वास्थ्य सिस्टम ध्वस्त है। इस अव्यवस्था के लिए भाजपा सरकार ही पाप की भागी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का आपदा को अवसर में बदलने का काम धड़ल्ले से हो रहा है। निजी अस्पतालों में महंगी दरों पर भर्ती हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2021-22 से 9वीं से 12वीं के प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव इसी सत्र से लागू होगा। इसकी जानकारी तमाम स्कूलों को भेज दी गई है। बोर्ड की माने तो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अब लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10% कम पूछे जाएंगे। अभी तक 10वीं में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 70% पूछे जाते थे, वहीं 12वीं में 60% लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता था, लेकिन बोर्ड ने 10% कम कर दिया है। नए पैटर्न पर ही सैंपल पेपर जारी होगा। इसी पैटर्न पर अब स्कूलों को पढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।